स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक, नई लैंग्वेज के बारे में। और नई लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही है हम क्या सीखने वाले हैं। पीछे वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि हम आज सीखने वाले हैं क्या, पंजाबी। ठीक है, तो YouTube के इतिहास के अंदर हमारे चैनल पर सबसे पहले हम पंजाबी सीखने वाले हैं। जिस जिसको पंजाबी नहीं आती वो मतलब पंजाबी का धुरंधर बन जाएगा। अपन पंजाबी सीखने वाले हैं, ठीक है। नई लैंग्वेज यानी कि आप तीसरी लैंग्वेज के हकदार होने वाले हो अभी, पंजाबी। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं पंजाबी। ठीक है, हरियाणवी सभी को आती होगी, इंग्लिश भी सभी को आती होगी, हिंदी भी सभी को आती होगी, लेकिन मोस्टली लोगों को क्या नहीं आती है, स्टूडेंट को पंजाबी नहीं आती है। तो पंजाबी हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल वर्णमाला से। तो वर्णमाला सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पंजाबी वर्णमाला। ठीक है, पंजाबी वर्णमाला सीखनी है, पंजाबी वर्णमाला। क्या सीखने वाले हैं? वर्णमाला। पंजाबी वर्णमाला सीखने वाले होंगे। जैसे हिंदी में अनार आम सीख रहे थे, आप इसमें भी वही सीखना है हमको। सबसे पहले वही सीखना जरूरी होता है। सबसे पहले इसमें क्या आता है? उड़ा आता है, उड़ा, उड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ऊ। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा ऊ, हिंदी वाला ऊ। ठीक है, उड़ा। उसके बाद में आता है उड़ा, एड़ा, एड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, उड़ा एड़ा। अब आता है इडियाप्पा, इसको बोलते हैं ई। और अब आता है सस्ता, से, इसको बोलते हैं से। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। है हाहा, ये होता है हाहा। क्या होगा? है, मिलाना नहीं है इसको। है, ये है आपका है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, तो अब चलेंगे आगे। तो इतनी आपने सीख ली, आगे चलेंगे। आता है कै, जिसको बोलते हैं पंजाबी में कक्का। यहां लाइन लगा देते हैं, कक्का, ये होता है कै। ठीक है, और ये होता है खखा, ये होता है खै। गै की जैसे लिखा जाता है, इसको आप भी मत कर देना, आप कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। ये गै है। ठीक है, कक्का खखा गग्गा घग्गा, ये होता है घग्गा का, घै घड़ी वाला। ठीक है, आई समझ में। अब क्या आता है? अब आता है आपका अंगर। क्या आता है? अंगर। अंगर कैसे लिखा जाएगा? ये होता है अंगर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो, और बढ़िया दिख रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। आज तो क्लैरिटी भी बड़ी आ रही है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है चर्चा, चा। ठीक है, ये होता है चै, और ये होता है छतरी वाला छ, चच्छा। क्या? छ। अब आता है जज्जा, जय, जय। ठीक है, अब आता है क्या? झज्जा,
ये जय झंडे वाला जय, ठीक है। आई सुन ले, अब आता है अय्या। क्या आता है? अय्या आता है। अय्या कैसे लिखा जाएगा? ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होता है यय्या, और अय्या इसको हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। आई सुन ले, आप चलेंगे आगे। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब चलेंगे नेक्स्ट पर, फिर दो दो वर्ड जोड़ के देखेंगे, ठीक है। फिर आपको आ जाएगी पंजाबी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान, हिंदी से भी आसान, बस लिखने में थोड़ी सी ये है आपके सामने, देख लो। अब आता है आपका टेंका। टेंका, टे फॉर टेंका, ये टे ही ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है, क्या आता है? ठट्ठा, ठे भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है डंडा, क्या आता है? टे ठे, डे आता है ना, तो डंडा कैसे आएगा? ऐसे आएगा ये, ठीक है। इतना ही, इसके आगे नहीं जान देना, ये होता है डे। अब आता है ढड्ढा, और ढक्कन वाला, ये होता है ढक्कन है, ठीक है। अच्छा, अब आता है नाना, क्या नाना? मैंने खा दी, मैंने खा, ठीक है, मैंने, ठीक है। नाना, उड़ा एड़ा एड़ी ससा हा, कक्का खक्का गग्गा गुग्गा अंगद, चच्चा छच्चा जज्जा झज्जा इया, टेंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाना, ठीक है। आगे समझ में, अब चलेंगे अभी। अब देखो आगे आपका कत्ता, ऐसे लिखना है इसको, ऐसे नहीं बनाना, न तो इसको ऐसे बनाना, ऐसे भी नहीं बनाना, इसको ऐसे ही बनाना है। ये है आपका टै। अब आता है थप्पा, को ऊपर से बंद कर देना है, ठीक है। और अगर खुला छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? खै बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। दत्ता थत्ता दद्दा, ये दद्दा होता है ऐसे, दवात वाला, ठीक है। अब होता है दद्दा, ये होता है दद्दा, इसको ऊपर से बंद कर देना, ठीक है। पैके जैसे बनेगा दद्दा, ठीक है, जय। अच्छा, दद्दा नन्ना, ने, ये होता है नन्ना, ने, ठीक है। भाई समझ में, अब चलेंगे आगे। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ लाइनें साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि तो जगह चाहिए मेरे को। मैं, अच्छा ठीक है, अब चाहिए मेरे को जगह, तो जगह चाहिए तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, साफ तो करनी पड़ेगी। चलो तो यहाँ से ये लाइन साफ कर देता हूँ, वहां तक आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो आगे, आगे नेक्स्ट लाइन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या है? पप्पा है, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे घुमा के थोड़ा सा, पप्पा, ठीक है। अब लिखेंगे है, ये होता है आपका पप्पा, है। अच्छा, ये है आपका है। हो गया। अब आता है बब्बा, बे, बे बकरी वाला। अब आता है भै, ठीक है, भै भालू वाला, बब्बा। अब क्या आता है? अब आता है मम्मा, मम्मा, मैं, खाली छोड़ना है ऊपर से ही, ठीक है, मम्मा। अब चलेंगे आगे, ये भी साफ कर देता हूँ मैं, सारे लिख लेना। अब क्या है? भैया, ये रारा, ये रह होता है, ठीक है, अगर इसको खुला छोड़ दिया तो बन जाएगा ये रारा, लल्ला, वामा। अब वामा कैसे आएगा? ये देखो, वामा है ये, ठीक है, वह। अब ये आएगा आपका राडा, अड़े खाली वाला, राडा, ये है राडा आपका, अड़े खाली, ठीक है, यहाँ जाके आइए। आए समझ में, अब चलेंगे आगे हम। अब रहेंगे दुबई वाले से नहीं होते, ठीक है, वो लिखेंगे। दुए वाले से होते हैं एक दो, तो जिस प्रकार से दुए वाले से, सस्ता,
ठीक है, इसकी बिंदी लगा देते हैं यहाँ पर, ये है। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा अब है ये रखा है, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खैर। ठीक है, अच्छा अब एक दो और है, गै गै के भी ऐसे लगा देते हैं। अच्छा और इसके बाद में है जय, इसको क्या बोलते हैं, जय होता है ये भी। ठीक है, ये आगे फ आ गया, ठीक है इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये फ है, यहाँ लगा देते हैं इसे। ठीक है, और अब है लय, इसको लगा देते हैं, ये सेम है। ठीक है, आगे समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी वर्णमाला हमने आज सीख ली, और अब देख लेता हूँ आज आपको क्या सिखाना है। वर्णमाला पंजाबी की हमने सीखी ओनली 10 मिनट के अंदर। तो पंजाबी के बाद में वर्णमाला सीखने के बाद में हम आ जाते हैं पंक्ति अक्षर। ठीक है, पंक्ति अक्षर हमने सीख लिए। ठीक है, अब चलेंगे हम किसकी तरफ है? अब हम वर्ड बनाने सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जोड़ने वाले, दो अक्षरों का जोड़। तो दो अक्षरों का जोड़ हम पढ़ेंगे, दो अक्षरों का जोड़। ठीक है, दो शब्दों का जोड़ करते हैं ना हिंदी में मिलाकर सीखते थे। ठीक है, दो अक्षरों का जोड़ मुक्ता, जिसको बोलते हैं मुक्ता। क्या बोलते हैं? मुक्ता। दो अक्षरों का जोड़, दो अक्षरों का जोड़। ठीक है, अक्षरों का जोड़, दो अक्षरों का जोड़, ये है मुक्त। मतलब जिसके कोई मात्रा नहीं लिखती, मुक्त है। और दो शब्दों से, दो शब्दों वाले शब्द अक्षर। ठीक है, अक्षर, दो शब्दों वाले अक्षर हिंदी में। ठीक है, दो अक्षर दा शब्द ऐसे लिखा है, दो अक्षरों वाले शब्द। ठीक है, दो अक्षर नाल जोड़ के बनने वाले शब्द। ठीक है, अब बढ़ाएंगे वो, देखो ये क्या है, इसको छोड़ो, ये है टै, इसको उठाओ एक तो, और प्लस नेम, मैं आपको पता है कैसा होता है, मैं क्या बन गया, तम। ठीक है, आगे समझ में सभी को, अब चलेंगे आगे। तो दो अक्षर जोड़ के आपको बढ़ाने हैं, ये बढ़ा लोगे, आपको हिंदी में बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, तो दो अक्षर वाले कुछ मैं वर्ड दिखा देता हूँ आपको, जिस प्रकार से द प्लस में ल, क्या बन गया, दल। ये पंजाबी में है, ये द को पता होना चाहिए हिंदी में, ये ल हिंदी में पता होना चाहिए। ठीक है, तब आएगी आपको समझ में। तो अब देखो, मण, मैं प्लस में मण, तो आपको पता है ये हिंदी वाला मैं है, और ये क्या है, अण खाली है, तो क्या बन गया, मण। क्या बन गया, मण। तो ऐसे आपको बड़ा बड़ा के देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं कुछ एक वर्ड लिख देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करना घर पर और आ जाएंगे। ठीक है, या कोई छोटी मोटी बुक ले लेना। इस प्रकार से कुछ वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, म प्लस में न। ठीक है, बना देना, आपको पता तो सही है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लिख दो। ठीक है, र प्लस में, ये क्या है, र नहीं है, ये है बन गया, अब इसको मिलाओ, र प्लस में न, क्या बन गया। ठीक है, अब मैं बोल दूंगा नहीं भी क्या शब्द है, आपको सीधा लिखना है। ठीक है, ये है आपका, अब आपको इसको सीधा ही बनाना है। ठीक है, मेरे को नहीं पता है क्या है, आपको पता होना चाहिए, वर्णमाला लिखा दिया आपको। ठीक है, ये आपको ही बताना है। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इतना आपके लिए होमवर्क है आज, और ये करके लेके आना है, और तभी आपको पंजाबी आने वाली है। ठीक है, अब चलेंगे हम काम पर, फिर
टेंथ ईयर हमने सीख लिए, ये लिख लेना सभी। तो अब चलते हैं आगे, अब आता है आपका दो अक्षर वाली हमने सीख ली, अब चलते हैं तीन अक्षर वाले। ये भी मुक्ता है, मुक्ता ही सीखेंगे अभी भी, मुक्ता। तीन अक्षरी, ठीक है, तीन अक्षरां दा जोड़, तीन अक्षरां दा जोड़, ठीक है, तीन अक्षरां दा जोड़। अब देखो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या है ये, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक मैं बना देता हूं, ये है आपका मैं रे न मर्ण, ठीक है, एक तो बना दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बनाना है आपको, बना दोगे, बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा दो ये भी, ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी है, ये बढ़ा देना क्या होता है, ये ठीक है, ये आपको बढ़ा के लेके आना है तीन अक्री, ठीक है। तीन अक्री के बाद में हम सीखने वाले हैं अगर चार अक्री, ठीक है, चार अक्षर का जोड़ हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। अब सीखेंगे हम चार अक्षरों का जोड़, तो ये आपको थ्री वाले तो बना के जाने हैं, अब सीखेंगे चार अक्षरों वाले। तो चार अक्षरों वाले देखो, क्या बन गया बताओ, ये बन गया आपका मैल है, मैल मलमल, मैल है मैल है, ठीक है, ये बन गया मलमल, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। अब देखो बढ़ा देना, ठीक है, क्या है ये सह है। अब आगे देखो, ठीक है, बढ़ा देना भी, आगे है ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसके ये बना के जाने आपको चार रखिए, ठीक है। हमने एक दो मुक्ता सीख लिए, मुकला मुक्ता, तीन अखरी और चार अक्षरी सारे सीख लिए, दो भी सीख लिए, ठीक है। अब चलेंगे आगे, बाकी कहाँ जाने वाले हैं तो आज वर्णमाला में आपको पता है, सिखाए मतलब कितनी करनी है। अब देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, वर्णमाला और मात्रा जिसको आ गई ना उसको सब कुछ आ जाएगा। अब आती है आपकी आ की मात्रा, जिसको बोलते हैं कन्ना, आ की मात्रा, क्या आ की मात्रा, आ की मात्रा क्या होती है पंजाबी में होती है ये, ठीक है, पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पंजाबी में कन्ना, क्या बोलते हैं कन्ना, और ये होती है आपकी कन्ना, इतनी सी होती है, ठीक है, पूरी नहीं होती, ऐसे नहीं लगानी, ठीक है, पंजाबी में आती लगती है, ठीक है, ये वाला कन्ना। आगे समझ में, कन्ना दी मात्रा हम सीखते हैं, कन्ना दी मात्रा देखो, ये है आपका क्या है से प्लस में आ की मात्रा कन्ना प्लस में रे, क्या हो गया से और सा, क्या बन गया, इतनी सी लगानी इसके भी चार, ठीक है। अब ये बताओ क्या बन गया, पूरी नहीं लगानी है, क्या बन गया मैं प्लस में आ प्लस में रह मा,
ठीक है, ऐसे ही करने हैं। अब देखो ये क्या है, पता लग गया आपको क्या है, आगे मात्रा है क्या, बढ़ गया पान। अब देखो ये क्या है, भय आ प्लस में न, क्या बढ़ गया दान। इस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। अब देखो ये क्या है, ये आदि आदि लगे, ठीक है, पूरी नहीं लगानी, आदि लगानी, ठीक है। अगर इसको पूरी लगा दे तो गया बन जाएगा यो, ठीक है, आगे मात्रा क्या बन गया, ये रा, और ये है आपका है, क्या बन गया रा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे आगे। अब देखो क्या बन गया, हारण, हारण, क्या बन गया कारण, ठीक है, इसी प्रकार से बनाने हैं। आगे समझ में, अब देखो चार शब्द चार अक्षरी और कर लेते हैं। ये क्या है, ले ला हो गया, ठीक है, वह, और ये क्या है, तर, क्या बन गया हलावत, क्या बन गया हलावत, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बताओ क्या बन गया, स रे कार, ठीक है, स रे के आर, आगे मात्रा करना, ठीक है, रे सरकार बन गया, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब देखो एक दो वो लिख देते हैं, क्या एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, ये करना की मात्रा जल्दी आपकी आगे मात्रा, ठीक है, करना दी मात्रा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। भारत माता का आदर कर, क्या लिखेंगे, भारत माता दा आदर कर। अब मैं आपको हिंदी में दूंगा, आपको पंजाबी में बना के लाने, ठीक है। देखो राम गाना गा, राम गाना गा, ये आपको किसमें पढ़ाने हैं, पंजाबी में कन्वर्ट करने हैं, इस साइड, इस साइड तो मैं हिंदी दिख रहा हूँ, साइड पंजाबी दिख रही हूँ, और इसको हिंदी में लिख लेना, ठीक है। कमल कांचना, कमल है कार चला, बना देना पंजाबी में, बना दोगे, ठीक है। अचार नागा भी नहीं गाना है, अचार नाखा, पंजाबी बनाना, इसको देखो कैसे बनेगा, ए चे आ पन्ना, ठीक है, आदि अचार ना खा, ठीक है। अब देखो हिंदी में और देने वाला हूं मैं आपको, काका काका वाजा, क्या है वाजा, ठीक है, वाजा वजा, काका वाजा वजा, आपको इसको पंजाबी में चेंज करना है, ठीक है, तो पढ़ा दो वही, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सही दिख रहा है, चलो बढ़िया। तो आगे करें, 24 मिनट में आपको देखो पुनः आगे मात्रा सिखा दी मैंने, ठीक है, कर लो ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं छोटी की मात्रा सीखेंगे हम, ठीक है, आगे मात्रा हमने सीख ली, अब छोटी की मात्रा चलेंगे, सारी मात्रा सीखेंगे तभी तो शब्द बनाने आएंगे आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में तो बोलते हैं छोटी की मात्रा, लेकिन पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, सिहारी की मात्रा, पंजाबी में क्या बोलते हैं, सिहारी दी
मात्रा कहते हैं इसको, ठीक है, तिहाड़ी दी मात्रा, यानी कि हिंदी में लिखूंगे इसको, हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं है, पंजाबी सीख लेते हैं। तो अब देखो क्या है, ये बताओ क्या है, अगर आपको पता है इसका तो ये आपकी छोटी की मात्रा है, तो ये क्या है, ल है, द छोटी की मात्रा प्लस में ल, क्या बन गया, क्या बन गया भाई, ये बन गया दिल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मैं वर्ड दे रहा हूं, छोटी की मात्रा प्लस में द प्लस में न, कर लोगे, बना देना, छोटी की मात्रा प्लस में म प्लस में न, बना दोगे, ठीक है। अब बताओ पता तो लगी क्या छोटी की मात्रा है, ये बताओ क्या है, बना दोगे, आगे मात्रा हमने सीख ली, ये आगे मात्रा लगा दी इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लेना, ठीक है। अब बताओ इसको किस प्रकार लिखोगे, हिंदी में लिख रहा हूं मैं गिरगिट, गिरगिट को पंजाबी में लिख के जाना है, किसे लिखोगे बता देना, कमेंट बॉक्स में बताने सभी को, ठीक है, और कैसे बताओगे भी, ये पंजाबी में है, इसको बता देना कैसे लिखोगे, ठीक है। ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला हिना, जिसको पंजाबी में लिख के जाना है, ठीक है। और आगे है ये हिंदी वाली सिमरन है, सिमरन है ये हिंदी वाली, पंजाबी में लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ क्या है, ये आपका निर्मल है, निर्मल ने पंजाबी में लिख दियो, ठीक है। तो अब इतना बहुत है, इतना कर लोगे तो सीख जाओगे पंजाबी। अब देखो आगे क्या है आपका, माता पिता का आदर कर, आपको लिख के लेके आना है, मैं हिंदी लिख रहा हूं, माता पिता का आदर कर, तो का को क्या लिखना है, दा लिखना है पंजाबी में, बढ़ा देंगे पंजाबी इसकी, ठीक है, बढ़ा देना। किताब पढ़ मिन्नत कर, किताब है, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ पंजाबी में लिख रहा हूँ, किताब पढ़ मेहनत, ऐसे होता है ये, मेहनत नहीं होता इसमें, मेहनत, मेहनत कर, ठीक है, हिंदी बना लेना इसको, पढ़ोगे ना तब आएगी ये, ठीक है। लाल लाल मिर्च लिया लिया, देखो लाल है फिर लाल है, मिर्च है, टमाटर लिख लो, टमाटर क्या लिखना है इसको, लिया लिया, पंजाबी में कैसे लिखोगे इसको, लिया ऐसे लिखना है, ठीक है। और आगे हिंदी में दो तीन और दे देता हूँ मैं, कर लेना आज एक पंजाबी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, हिरण पकड़ कर लिया, ठीक है, हिरण कैसे पकड़ लिया गया, हिरण है पकड़ है कर है लिया, इसको पंजाबी में बना दियो, ठीक है, इसको सीखनी है वो तो बना देगा। निर्मल है स्नान कर, निर्मल है, निर्मल स्नान है, ये सही, ये वाला है, दुए वाला से है, पंजाबी में देख लेना कैसे लिखना है, स्नान कर, सारे लिखवा दिए वर्णमाला में, ठीक है। काफी आज के लिए इतना, तो अब हम करेंगे बड़ी की मात्रा, और जिसको बोलते हैं बिहारी, ठीक है, सियारी हमने कर लिया और फिर करेंगे बिहारी, ठीक है, बिहारी बढ़ा देंगे इसको और फिर कर देंगे अंकड़ निकाल देंगे इसकी, ठीक है, अंकड़, उंकड़ दुलैंकड़ ला दुलामा होड़ा कमोड़ा, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, छोटी एडी बड़िए ऐ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है, इनकी मात्रा रहती है, रे की मात्रा रहती है, रे की पैर वाली रहती है, तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदु टिप्पी अर्धक सारी सीख लेंगे, तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।